ना गिर जाने। हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। मैं विवेक कुमार आ चुका हूँ अपने एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले अपने इन दो प्रोडक्ट्स की जो कि हमने मंगाए थे अमेजोन से। तो ये हमारी कुछ कैंपिंग एसेसरीज है जो हमारी कैंपिंग वीडियोस में बहुत काम आने वाली है। और अभी तक आपने हमारी कैंपिंग वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखिए, ऊपर आ रहा होगा आई बटन, वहाँ से देख सकते हैं, और वरना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा। तो चलिए अभी इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको साइड रखते हैं, पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। क्विक अनबॉक्सिंग, एंजॉय कीजिए। तो थोड़ा कैमरे को पास लेके आते हैं। तो फिलहाल अभी हम इस प्रोडक्ट की करते हैं अनबॉक्सिंग। आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। वैसे इसका स्ट्रिप दिया है तो यहाँ से होते हैं। तो ये हमारा बॉक्स अनबॉक्स हो चुका है अभी, और इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो ये प्रोडक्ट इसको डब्बे को साइड करते हैं और देखते हैं मेन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो अभी इसके अंदर देखिए एक ये पर्चा मिला है, कैशबैक वाला है कुछ, इसका हमारा कुछ काम नहीं। और मेन प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इस डब्बे को भी कर लेते हैं साइड, इस साइड में कर लेते हैं और अपने मेन प्रोडक्ट को खोलते हैं अभी। तो कुछ इस टाइप का हमारा ये प्रोडक्ट है जो कि कैंपिंग स्टोव है हमारा, और ये इस तरीके से पीछे की साइड से खुलेगा। ये इसका बेस हो गया नीचे रखने के लिए, और ऊपर की साइड से कुछ इस तरीके से खुलेगा, चारों तरफ आप खोल सकते हैं। और इसके ऊपर अपना कुकर उकर जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं इजीली। ये रहा हमारा स्टोव और स्टोव बर्नर। और अब इसको अनबॉक्स करते हैं, इसको करते हैं साइड और उनकी सारी चीज़ें साइड कर लेते हैं और टैप से अपने बॉक्स को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। हाथ से ही फाड़ देता हूँ। तो ये आया था हमारे स्टील पोस्ट से और ये आया था अमेजोन की तरफ से डायरेक्ट। इसमें काफी टाइम लग गया था इस प्रोडक्ट में। तो इसको कर लेते हैं साइड और इन दोनों चीजों को करते हैं साइड, और अभी करते हैं अपने मेन प्रोडक्ट को अनबॉक्स। देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। तो ये रहा हमारा सेकंड प्रोडक्ट जो कि है हैंड्स का गैस कैंस। तो हमने चार मंगवाए हैं और यही इनमें लगेंगे। तो अभी मैं इनको फिट करके दिखाता हूँ आपको कैसे ये फिट होने वाले हैं, और इसको भी एक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो काफ़ी इजी है इनको अनबॉक्स करना, और एक अपना गैस कैन निकाल लेते हैं बाहर और उसको यूज़ करके दिखाते हैं आपको कि कैसे इसमें लगेगा ये। बाकी ये तीन करते हैं साइड अभी के लिए। तो ये रहा हमारा हैंड्स का गैस कैन, और इसमें आती है 250 ml गैस, जहाँ जो कि यहाँ पर लिखा होगा, ये देखिए इधर लिखा हुआ है, इसमें 250 ग्राम्स इसमें गैस आती है जो कि 90 मिनट से चल जाती है, 60 to 90 मिनट से, कोल्ड वेदर हो या नॉर्मल वेदर हो कहीं भी चल जाएगी। तो अभी हम इनको अटैच करते हैं इससे अपने गैस बर्नर से अपने गैस कैन को। तो इसको खोलना काफ़ी इजी है और यहाँ ये फिट होगा। तो इसके लॉक दिए हुए हैं जैसे कि आपको दिख रहे होंगे, इधर साइड में लॉक दिया है और ये इस साइड में लॉक है। तो इनको कुछ इस तरीके से अटैच करना है। गाना भी नहीं आता यार। ना गिर जाने।
हमारा गैस बर्नर गैस स्टोव अपने गैस कैन से लगा लिया, थोड़ा सा वेस्ट हो गया क्योंकि मेरे को इतना तरीके से लगाना नहीं आता तो ये फिट हो चुका है और इधर से हमारी गैस जलेगी जो कि इधर दिया हुआ है। इसमें लाइटर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप हर जगह अपना लाइटर लेके जा नहीं सकते तो उसकी भी दिक्कत रहती है। तो ये जल क्यों नहीं रहा, वो अटैच ही नहीं हुआ है। अरे तो इधर साइड में है हमारा, इसको ओपन करने के लिए, ये मैंने देखा नहीं था। शाबाश बेटा। ये देखिए हमारी फ्रेम जलने लगी है, इसको जला के दिखा दो। तो इस सामान को पैक कर लेते हैं और इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि ये प्रोडक्ट कैसा है। और कैंपिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। हाय एवरीथिंग, हाउ आर यू टू फाइंड नाउ, आर यू फीलिंग राइट नाउ? नो, सेव मी। Please like, share and subscribe my video, guys!